नमस्कार दोस्तों मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एच के प्रैक्टिस सेट नंबर एक की जो कि आपके आने वाले सभी हरियाणा के गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे हरियाणा पुलिस मेल एंड फीमेल कांस्टेबल एसआई पटवारी कनाल पटवारी ग्राम सचिव कलरक जेई लाइनमैन यानी जो भी आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए बेस्ट रहेगा आपको भी इनके साथ के साथ आंसर देने हैं और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और फ्रेंड अगर आप हमारी फ्री में बुक पाना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा क्वेश्चन नंबर एक निमन में से कौन सा कथन असत्य है तो इसका आंसर आएगा तीन सत्रह सौ चौसठ ईस्वी में एक संघर्ष में सूरजमल ने नजीबुदोला की हत्या कर दी देखिए हुआ क्या था इसमें नजीबुदोला ना इसने सूरजमल की हत्या की थी ठीक है तुम्हारा आंसर आया ये तीन क्वेश्चन नंबर दो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी ये की थी आर एस बिस्ट ने आंसर हो गया हमारा सी ठीक है और हड़प्पा की खोज किसने की थी ये की थी दयाराम सानी ने और कब की ये की थी 1921 में क्वेश्चन नंबर तीन जब जनरल वोन कोटलैंड सेना सहित हिसार सिरसा की तरफ गया तो उसका रास्ते में मुकाबला किसने किया ये किया था नूर मोहम्मद खान ने आंसर गया ए क्वेश्चन नंबर चार क्रांति के समय बहादुरगढ़ का नवाब कौन था तो इसका आंसर आएगा मोहन सिंह आंसर होगा डी क्वेश्चन नंबर पांच निम्न में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है तो आंसर आएगा खट्टे रसदार फल आंसर होगा डी और सबसे अधिक विटामिन सी किसमें पा जाता है यह पा जाता है आंवला में और विटामिन सी की कमी से सकर्वी रोग होता है ठीक है क्वेश्चन नंबर छह निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सर्वाधिक विस्तृत प्राकृतिक विभाग है तो इसका आंसर आंसर आएगा मैदानी भाग, होगा सी। क्वेश्चन नंबर सात प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है यह है फरीदाबाद में और यह कब बनी थी उन्नीस क्वेश्चन नंबर आठ पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है तो इसका आंसर आएगा जड़तव ए और अगर पूछे कि जड़तव का कौन सा नियम है तो यह जड़तव का तीसरा नियम क्योंकि ना जड़तव के तीसरे नियम में बताया गया है कि प्रत्येक क्रिया की उसके सम्मान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है ठीक है हमारा आंसर आ जाएगा जड़तव ए क्वेश्चन नंबर नौ दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है आंसर आएगा लैक्टोमीटर आंसर हो गया बी क्वेश्चन नंबर दस हरियाणा के खाद्यान्नों में सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है यह है गेहूं की आंसर हो गया ए क्वेश्चन नंबर ग्यारह प्रसिद्ध गुप्त संवर्त निम्नलिखित में से कब शुरू किया गया तो इसका आंसर आएगा तीन सौ उन्नीस ईस्वी में क्वेश्चन नंबर बारह एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था इसका आंसर आएगा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट आंसर होगा डी क्वेश्चन नंबर तेरह निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभु सत्ता संपन्न सुल्तान कौन था देखो वैसे तो दिल्ली का सुल्तान था कुतुबुद्दीन एबक लेकिन प्रभु सत्ता संपन्न था पहला इल्तुतमिश ठीक है और इल्तुतमिश को ना गुलामों का गुलाम भी कहते थे ठीक है और ये रजिया सुल्तान के पिता भी थे क्वेश्चन नंबर चौदह कृष्ण देव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी आंसर तो आएगा आमुक्त माल्यद आंसर होगा डी क्वेश्चन नंबर पंद्रह होम रूल लीग की स्थापना की गई थी यह की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देखो होम रूल की स्थापना की गई थी 1916 में ठीक है और किसने की थी यह की थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने और बात करें कि भाई कहां पर की गई यह की गई थी बेलगाम में ठीक है क्वेश्चन नंबर भारत में पहली बार अठारह में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई यह की गई थी बम्बई से और कहां से कहां तक की गई बम्बई से थाने आंसर हो गया बी क्वेश्चन नंबर सत्रह नाबार्ड क्या है नाबार्ड एक बैंक है और नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ठीक है क्वेश्चन नंबर अठारह सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है तो यह राज्य है राजस्थान आंसर हो गया बी क्वेश्चन नंबर उन्नीस किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया यह दिया गया था दूसरी यानी द्वितीय आंसर हो गया बी क्वेश्चन नंबर बीस किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है तो इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र आंसर हो गया डी और ब्रह्मपुत्र नदी ना तिब्बत के पास मानसरोवर से निकलती है ठीक है क्वेश्चन नंबर 21 ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो इसका आंसर आएगा संगीत क्षेत्र में और ना यह संगीत क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है क्वेश्चन नंबर 22 गांधी जी सच्चे समर्थक थे तो इसका आंसर आएगा कुटीर उद्योगों के आंसर हो गया बी क्वेश्चन नंबर 23 वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन थे जिसका अकबर बहुत सम्मान करते थे तो इसका आंसर आएगा हरी विजय आंसर हो गया बी क्वेश्चन नंबर चौबीस निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है तो इसका आंसर आएगा मोती मस्जिद ये मोती मस्जिद है आगरा में ठीक है और किसने बनवाई थी ये ये बनवाई थी शाहजहां ने क्वेश्चन नंबर पच्चीस पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था यह हुआ था उन्नीस में आंसर हो गया बी क्वेश्चन नंबर छब्बीस कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है तो यह संबंधित है आंध्र प्रदेश से आंसर हो गया सी क्वेश्चन नंबर सताइस भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेगा तो इसका आंसर आएगा भारत के राष्ट्रपति आंसर हो गया ए क्वेश्चन नंबर संसद में शामिल है संसद ना तीन चीजों से मिलकर बनी है लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति ठीक है तुम्हारा आंसर आ जाएगा ए राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा क्वेश्चन नंबर उनतीस यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो यह निर्णय लेता है लोकसभा का अध्यक्ष आंसर हो जाएगा डी क्वेश्चन नंबर तीस निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया तो यह अधिकार है संपत्ति का अधिकार आंसर हो जाएगा सी और इससे ना जो ये संपत्ति का अधिकार है ना यह है कानूनी अधिकार ठीक है क्वेश्चन नंबर इकतीस भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ यह हुआ था उन्नीस में आंसर हो गया सी क्वेश्चन नंबर बत्तीस डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित अक्षय निधि में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है पहले तो ना नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और इसका आरंभ कब हुआ था ये आरंभ हुआ था 1901 में ठीक है और 1901 में ना ये पांच क्षेत्रों में दिया जाता था नंबर एक भौतिक क्षेत्र में नंबर दो चिकित्सा क्षेत्र में नंबर तीन रसायन क्षेत्र में नंबर चार शांति क्षेत्र में और नंबर पाँच साहित्य क्षेत्र में ठीक है लेकिन क्या हुआ उन्नीस में ना इसमें एक क्षेत्र और जोड़ दिया जिसका नाम है अर्थशास्त्र ठीक है देखो इनमें से ना कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ना शांति क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है औसत क्षेत्र में भी रसायन क्षेत्र में भी और अर्थशास्त्र क्षेत्र में भी तो इसका आंसर होगा हमारा इनमें से कोई नहीं क्योंकि ना इन चारों क्षेत्रों में नोबल पुरस्कार दिया जाता है समझ गए आप क्वेश्चन नंबर तैंतीस एल ए एन का पूरा रूप है तो इसका आंसर आएगा लोकल एरिया नेटवर्क आंसर हो गया बी क्वेश्चन नंबर चौंतीस बाईसवां फीफा फुटबॉल विश्व कप दो हजार बाईस में कहाँ होगा ये होगा कतर में और इक्कीसवा और इक्कीसवा कहाँ पे होगा ये होगा रूस में ठीक है और कब होगा दो हजार में ठीक है यानी इसी साल में होगा क्वेश्चन नंबर पैंतीस लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी यह हुई थी दस जनवरी उन्नीस में आंसर हो गया सी क्वेश्चन नंबर छत्तीस इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है तो इसका आंसर आएगा मैगस्थनीज आंसर हो गया बी क्वेश्चन नंबर सैंतीस टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है तो इसका अर्थ है ट्यूब में निसेचन होना आंसर हो गया ए क्वेश्चन नंबर अड़तीस निम्नलिखित में से भौगोलिक क्रम के अनुसार प्राचीनतम पर्वत कौन सा है तो इसका आंसर आएगा अरावली आंसर हो गया डी क्वेश्चन नंबर उनतालीस अठारह में भारत के प्रथम वाइसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो इसका आंसर आएगा लॉर्ड कैनिंग आंसर हो गया डी क्वेश्चन नंबर 40 बैटरी का धन ध्रुव होता है यह होता है एनोड आंसर हो गया बी क्वेश्चन नंबर इक्यासी एस्कोर्बिक एसिड इन सभी में से सबसे अधिक किस में पाया जाता है तो इसका आंसर आएगा आंवला में और आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है विटामिन सी क्वेश्चन नंबर बयासी चीटी सामाजिक कीट है क्योंकि वह कलोनियों में रहती है आंसर हो गया ए क्वेश्चन नंबर तिरासी उत्तर है एक क्या है यह है समान कोशिकाओं का समूह आंसर हो गया सी क्वेश्चन नंबर चौरासी एड्स फैलता है एड्स फैलता है वायरस युक्त रक्त लेने से तो आंसर हो जाएगा बी और एड्स की फुल फॉर्म क्या है एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड अमीनो डेफिशियंसी सिंड्रोम क्वेश्चन नंबर पिचासी सर्वचालित वाहनों में प्रयुक्त हाइड्रोलिक ब्रेक नियमन में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है तो इसका आंसर आएगा पास्कल नियम आंसर होगा सी क्वेश्चन नंबर छियासी एक फसल की पानी की आवश्यकता संबंधित होती है तो इसका आंसर आएगा ए इसके वाष्पोत्सर्जन से क्वेश्चन नंबर सतासी गोल्ड किस्म है यह है सरसों की आंसर होगा सी क्वेश्चन नंबर अठासी भेड़ में पूछ काटने को कहते हैं यह कहते हैं डोंकिंग आंसर होगा बी क्वेश्चन नंबर नवासी सतह की सिंचाई विधि है तो इसका आंसर आएगा ये सभी आंसर होगा डी क्वेश्चन नंबर नब्बे यह रोग पशुओं में आयोडीन के प्रभाव से होता है तो इसका आंसर आएगा गलगंड रोग आंसर हो गया ए क्वेश्चन नंबर इक्यानवे एक्सल में माइक्रोज की शॉर्टकट है तो इसका आंसर आएगा अल्ट प्लस एफ नाइन क्वेश्चन नंबर बानवे एक्सल में डाटा फॉर्मेट लगाने की शॉर्टकट है तो इसका आंसर आएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश आंसर हो गया ए क्वेश्चन नंबर तिरानवे एक्सल में मल्टी कैलकुलेशन को एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करते तो वह है तो इसका आंसर आएगा एरो फॉर्मूला नंबर पिचानवे वीपीओ का पूरा नाम है तो इसका आंसर आएगा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग आंसर हो गया ए क्वेश्चन नंबर छियानवे 1986 में डीटीपी के किस सॉफ्टवेयर का उदय हुआ यह हुआ था वेंचुरा आंसर हो गया बी क्वेश्चन नंबर सतानवे हेड असेंबली का प्रिंटर में क्या कार्य होता है तो इसका आंसर आएगा प्रिंटर हेड को दाएं से बाएं बाएं से दाएं करना आंसर हो गया डी क्वेश्चन नंबर अठानवे नो पिन प्रिंटर के अक्सर कितने डोट में विभाजित होते हैं तो इसका आंसर आएगा नो डोट में आंसर हो गया ए क्वेश्चन नंबर निन्यानवे टेलीविजन का प्रयोग कंप्यूटर की तरह करने के लिए कंप्यूटर को टेलीविजन से किस कार्ड के जरिए जोड़ा जाता है तो इसका आंसर आएगा डिस्प्ले कार्ड आंसर होगा डी क्वेश्चन नंबर सो एल के पिक्सल कितने हिस्सों में विभक्त होते हैं तो इसका आंसर आएगा दो और एल की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले तो अब बात करते हैं हमारी बुक की आप सभी की हेल्प से हमारी बुक की काफ़ी अच्छी सेल हुई है इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपको हम सौ बुकें फ्री में दें लेकिन आपकी एक हेल्प की और ज़रूरत है हमें देखो सौ बुक हम दे देंगे अगर करियर से भेजेंगे तो फ्रेंड एक बुक के लिए अस्सी से नंबर पर ले लेगा करियर वाला इसलिए हम चाहते हैं आप क्या करो जो आपके आसपास की बुक शॉप है उसके पास जाओ और जो आपको स्क्रीन के ऊपर बुक दिख रही है उसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसे वो बुक दिखाओ कि ये बुक है या नहीं अगर है तो आपको करना क्या है उस बुक का फोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप नंबर अस्सी पाँच सौ नब्बे के अस्सी पाँच सौ आठ पर भेज दो और साथ में अपना बता दो एड्रेस कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हो जैसे ही मेरे पास बाइस के बाईस डिस्ट्रिक्टों से हमारी बुक की पिक आ जाएगी तो उसी दिन हम सौ बुकों की अनाउंसमेंट कर देंगे कोई जरूरी नहीं है सो करेंगे सो से ज़्यादा भी कर सकते हैं दो सौ तीन सौ क्योंकि हम भी आपकी हेल्प करना चाहते हैं हमारे इस एररलेस बुक को पढ़कर एग्जाम में अच्छे नंबर ले इसको और हाँ फ्रेंड जो आपको बुक दिख रही है अगर आप इसका स्क्रीन शॉट लेकर किसी बुक शॉप के पास जाते हो अगर वहाँ पर बुक नहीं मिलती है तो आपको करना क्या है आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और उस जगह का नाम बताना है जहाँ पर बुक नहीं है हम 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पर बुक उपलब्ध करा देंगे इससे क्या होगा हम एक से दो दिन में ही 22 के 22 जिलों में बुक उपलब्ध करा देंगे वैसे तो हमने सभी जगह बुक उपलब्ध करा रखी है लेकिन फिर भी कई जगह आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है इसलिए आप हमें बता सकते हैं जिससे हम वहाँ पर दोबारा बुक पहुँचा दें, 100-200 जितनी भी हमसे बन सकेंगी उतनी बुकों की अनाउंसमेंट कर दें, इससे क्या होगा जिन भी दोस्तों के नाम आएंगे वो आसानी से उन बुक शॉप के पास जाकर फ्री में बुक ले पाएंगे तो फ्रेंड देर किस बात की, की तहलका मचा दो आपके सिर्फ पाँच से 6 मिनट लगेंगे जब भी आप मार्केट में जाओ जो आपको स्क्रीन के ऊपर बुक दिख रही है इस बुक के स्क्रीन शूट को सेव कर लो आपको जो भी बुक की शॉप दिखे उसको स्क्रीन शूट दिखा दो और पूछो ये बुक आई हुई है या नहीं अगर आई हुई है तो उसकी फ़ोटो खींच के हमारे पास भेज दो और ये बता दो वो बुक कहाँ पे है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है अगर बुक नहीं है तो भी हमें बता दो हम वहाँ पर उपलब्ध करा देंगे तो एग्जाम आने वाले हैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी ये काम करें ताकि हम भी आपको जल्दी से जल्दी बुक उपलब्ध करा सकें ओके फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही अमिल तक एक नई वीडियो के साथ तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम